पैरों में दर्द हो चाहे पीठ में दर्द हो, आपके जीवन के दर्द को मिटाने वाला 3 नंबर काव्य। बस इस काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी यही कहना चाहते हैं, बुद्धि मत लगाना, बुद्ध को अपनाना और अपने जीवन के सारे कष्टों को मिटाना। पहले हम इस काव्य को शुद्ध करते हैं, पूरे तन्मयता के साथ एक एक शब्द को आप अपने शास्त्रों में देखिए कि हमारी कहां पर क्या गलती होती है। इस गलती को सुधारने के लिए मैं आज आपके बीच में हूं। चलेंगे हम 3 नंबर काव्य की शुद्धि की ओर। बुद्ध्या, बुद्ध्या नहीं, बुद्ध्या, धा बोलते समय थोड़ा धक्का लगता है, बुद्ध्या। विनापि विभु धार्चित पादपीठ, विभु पहले वा वन का है, इसके बाद ब बकरी का है, विभु धार्चित पादपीठ। एक बार फिर देखिए, बुद्ध्या, सामने देखते जाइए, विनापि विभु धार्चित पादपीठ। ठीक है, आगे देखिए, स्तोतुम, यहां पर देखिए आधा सा आया है ना, इस आधे सा को हम दांतों को मिला करके, पहले आप प्रयास कीजिए, तो तुम तू तुम तू तुम, इसके बाद आधे सा को भी जोड़िए, तो तुम स्तो तुम स्तो तुम, देखते जाइए सामने एकदम बोर्ड पर पूरे मनोयोग के साथ, स्तो तुम। आगे देखिए, समुद्यत, समुद्यत नहीं, ध्यत पढ़ेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमें बोलना है समुद्यत, द्यत। इंग्लिश में देखिए एस ए एम यू डी वाई ए टी ए, समुद्यत। आगे मतिर विगतत्र पूहम, एक एस बना हुआ है, एस बोलते समय उच्चारण होता है, मुंह का एक्सप्लेन देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, विगतत्र पूहम, और थोड़े से लिप्स घूमेंगी आपकी। एक बार फिर देखिए, तो तुम समुद्यत मतिर विगतत्र पूहम, बिल्कुल सही, आपने ऐसे ही आपको प्रयास करना है। आगे की लाइन देखिए, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, एक बार फिर देखिए, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। आगे मन्यह क इच्छति, इच्छति नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, इच्छति, इच्छति नहीं, क्योंकि ये ह्रस्व है, तो बोलना क्या है, इच्छति। जनह सहसा ग्रहीतुम, फिर देखिए एक बार और, मन्यह क इच्छति जनह सहसा ग्रहीतुम, पूरी लाइन को एक साथ पूरे मनोभावना के साथ देखिए, बुद्ध्या विनापि विभु धार्चित पादपीठ, स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्र पूहम, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। इसे आप संगीत के साथ पूरी मनोभावना के साथ सुनेंगे और आत्मसात करेंगे। बुद्ध्या विनापि विभुधार्चित पादपीठ, स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्र पोहम, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, मन्यः क इच्छति जनाः सहसा ग्रहीतुम। शब्दार्थ की ओर चलते हैं।
विबुध अर्चित देवों के द्वारा अर्चित पूजित है। क्या पाद पीठ चरण रखने का आसन जिनका ऐसे जिन देव की बुद्धिया बुद्धि के बिना भी विगत त्रपाह लज्जा रहित अहम मैं स्तु तुम स्तुति करने के लिए समुद्यत मपी तैयार हुआ हूँ। जल संस्थितम पानी में स्थित इंदु बिंबम चंद्रमा के प्रतिबिंब को बालम बालक को विहाय छोड़कर कह कौन जना मनुष्य सहसा शीघ्र ग्रही तुम पकड़ने के लिए इच्छति इच्छा करता है। भावार्थ की ओर देवों द्वारा पूजित हे जिनेश्वर देव जैसे जल में दृश्यमान चंद्रमा के बिंब को शीघ्र ही पकड़ने का साहस एक नादान बालक करता है वैसे मैं भी बुद्धि रहित होने पर भी आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। क्या यह मेरी निर्लज्जता एवं दृष्टता नहीं है अर्थात है। बालक चंद्र बिंब को पानी में देखकर पाने को ललचाता है। भव्य जीव जिन बिंब को पाषाण में देखकर उसे पाने के भाव बनाता है। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी पादपीठ क्योंकि पादपीठ हे प्रभु जिस भूमि पर आपके चरण पड़ जाते हैं वह भूमि भी पूजनीय हो जाती है। उसी भूमि की देवों के द्वारा पूजा होने लगती है। आप सम्मेलन शिखर जी जाते हैं शिखर जी के टॉप पर एक भी भगवान की मूर्ति नहीं है वहां सिर्फ पाद पीठ है और पाद पीठ ही आपके पापों का प्रक्षालन करती है आपके पापों का समन करती है। जब प्रतिमाएं होती हैं वहां पर हम रूप के दर्शन करते हैं जहां पर पाद पीठ होती है वहां पर हम प्रतिमाओं के आत्म स्वरूप के दर्शन करते हैं। एक आत्मस्वरूप की पाद पीठ और जहां पर संत के चरण पड़ जाते हैं वह भूमि भी अपने आप में पावन हो जाती है। जब आपके घरों में संत के आहार होते हैं आहार होने के पहले आप पाद प्रक्षालन करते हैं ये पाद प्रक्षालन ही आपके पापों का प्रक्षालन करता है आपके जीवन के सारे कष्टों को सारी परेशानियों का समन करता है। इसी भावना के साथ यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि जब हम आपके स्वरूप की आराधना करते हैं उस समय हम बुद्धि नहीं लगाते हैं सिर्फ हम आत्म ध्यान में लीन होकर के उस स्वरूप के आकार को निराकार में देख करके अपने आनंद के अनुभव को जागृत करते हैं। ऐसे भाव अब यहाँ पर देखिए सामने से नन्हा सा बालक देखिए सामने एक नन्हा सा बालक जिस प्रकार से शाम का समय हो और पूर्णिमा का चांद निकलता हो और पूर्णिमा के चांद के समय जब एक कांसे की थाली में चांद का प्रतिबिंब पड़ता है वह बालक उस प्रतिबिंब को देख करके खिलौना समझ करके उसे पाने का बार बार प्रयास करता है बार बार उसके लिए जिद करता है मुझे यही खिलौना चाहिए यही खिलौना चाहिए। इसी खिलौने को पाने के लिए वह बच्चा बार बार होता है। इसी प्रकार से इस युग में इस पंचम काल में हमने आदिनाथ को तो नहीं देखे हैं लेकिन जब हम परमात्मा के जिन बिंब को देखते हैं जिन बिंब को देख करके अभिषेक करके पूजन करके उनका स्पर्श करके बार बार उसे पाने का साहस करते हैं उसे अपना बनाने का साहस करते हैं तो जिस प्रकार से वह बालक चांद के लिए जिद करता है उसी प्रकार से भव्य प्राणी परमात्मा के मंदिरों में जाके पाषाण को देख करके उसे पाने की अनुभूति करता है और इसी अनुभूति से ही उसे अपने अंदर के आत्मा का सुख प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी ने बहुत गहरी बात कही है जब हम सूर्य के साथ चलते हैं
तो आपके जब सूर्य सामने हुआ करता है तो परछाई पीछे एक काला शैडो बनाती है, एक काला रूप बनाती है। लेकिन जब हम अपने चेहरे को पानी में देखते हैं तो उस पानी में चेहरा आपको अपने आप स्पष्ट दिखाई देता है। व्यक्ति कितना भी गोरा क्यों ना हो लेकिन परछाई में सभी एक जैसे काले दिखाई देते हैं, और जो पानी में अपने रूप को देखता है उसका चेहरा एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ इस काव्य के माध्यम से, आप भाव बनाइए। आचार्य मानतोंग स्वामी यहाँ पर कितनी बड़ी भावना रखते हैं, यही भगवान मैं तो बुद्धि के बिना काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो बुद्ध हैं। और जब हम अपनी बुद्धि को छोड़ करके जिस प्रकार से एक नन्ना सा बालक माँ की गोद में बुद्धू बन करके बैठता है, अपनी बुद्धि को छोड़ करके बैठता है, तो वह बालक जैसा जैसा माँ बोलती है वैसा वैसा बोलना सीख जाता है। कहाँ बैठता है, माँ की पाद पीठ पर बैठ जाता है, माँ की गोद में बैठ जाता है। माँ की गोद में बैठ करके यदि माँ हिंदी बोलती है तो बच्चा हिंदी बोलता है, देखिए सामने। कन्नड़ बोलती है तो बच्चा कन्नड़ बोलना सीख जाता है, मराठी बोलती है तो बच्चा मराठी बोलना सीख जाता है, तमिल बोलती है तो बच्चा तमिल बोलना सीख जाता है, इंग्लिश बोलती है तो बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाता है, क्योंकि वह बच्चा माँ की गोद में बैठा हुआ है, माँ की एक एक उच्चारण को सुन रहा है, और एक एक उच्चारण को सुनकर के वह आत्मसात करता है, वह माँ की वाणी को आत्मसात कर लिया करता है। इसी प्रकार से जो भक्त भगवान के प्रतिमा के सामने बैठ करके भगवान के पाद पीठ पर भगवान के स्थान पर बैठ करके आत्म ध्यान आत्म चिंतन या जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, जिनवाणी का पठन करता है, एक न एक दिन वह जिनवाणी उनकी निज वाणी हो जाती है। आत्मा के अंदर की अनुभूति कराने वाली वह जिन्हें भगवान की वाणी उसको आत्म साक्षात्कार कराती है। तो आज यह काव्य आपसे यही कहना चाहता है, चरण को पकड़ो, आप स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन जब तक हम निराकार स्वरूप की ओर नहीं जाएंगे तब तक हम अपने आत्मा को पहचान नहीं पाएंगे। इस भावना के साथ यह काव्य जुड़ा हुआ है। इसकी आराधना कैसे करें, इसको हम अपने अंदर आत्मसात कैसे करें, इसके लिए एक आसन होता है जिसका नाम होता है बालासन। आपने बच्चों को देखा होगा कैसे होते हैं घुटने के सहारे, आप देखिए घुटने के सहारे एक बच्चा जब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद थोड़ा ऊपर देखता है फिर नीचे देखता है, इस मुद्रा को देखते जाइए कि बच्चा किस प्रकार का एक एक्टिंग कर रहा है। उसी प्रकार से आपको आसन बनाना है, इस आसन का नाम है बालासन। बालासन के साथ आगे बढ़ते जाइए और इस काव्य को आप सुनते जाइए। बैक जो म्यूजिक चल रहा है, रिदम चल रहा है, धुन चल रही है, इसी धुन में इससे आपको घुटने में आराम मिलेगा, आपके हाथों में ताकत आएगी। जिनके हाथ में झुनझुनी आती है, हाथ कपकपाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। इस आसन के साथ आप चलिए, दो चार कदम चलते जाइए, उसके बाद बच्चे के जैसा बैठ जाइए। बच्चे के जैसा बैठने के बाद फिर आप पद्मासन लगा लीजिए। पद्मासन लगाने के बाद फिर इस प्रकार से भगवान के जैसे मुद्रा बना करके आँखों को बंद कर लीजिए, गहरी श्वास लीजिए, लीजिए गहरी श्वास। इस काव्य को पूरे मनोभावना के साथ सुनते जाइए और इसी धुन के साथ सुनते जाइए, पैरों के पदचाप की आवाज देखिए, एक एक शिखर जी के चरण पादुकाओं को देखते जाइए, महसूस करते जाइए, स्वर्ग के सारे देव उन पादपीठ की पूजा कर रहे हैं, और मैं भी पादपीठ की पूजा करके अपने पापों का प्रक्षालन कर रहा हूँ। एक बालक वध होकर के अपने अंदर परिणामों को निर्बल कीजिए। आपके पैरों का दर्द, आपके पीठ का दर्द धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। गहरी श्वास एक बार और लीजिए और इस काव्य को आत्मसात कीजिए, कीजिए पूरे आत्म के भावना के साथ। तीन नंबर काव्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ
आपको जोड़ रहा है। आप जुड़िए, पूरे मनोभावना के साथ जुड़िए, जुड़ते जाइए। गहरी श्वास लीजिए ऋतिजा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनाणं श्रों श्रों नमः। मंत्र जाप। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धि दायकेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकार सिद्धि राम ह्रीं हूं ह्रों ह्रः अस्वरूपाय नमः। श्वेत वस्त्र पहनकर वायव्य दिशा में मुंह करके पद्मासन मुद्रा लगाकर घी का दीप अग्नि का दशांग धूप खेते हुए अर्धरात्रि में कमलगट्टे की माला लेकर के आप 108 बार तीसरे काव्य का रिद्धि और मंत्र के साथ जाप करेंगे। आपके जीवन में जो भी दृष्टि दोष है, इस दृष्टि दोष का शमन होगा। शत्रुओं के जो बंधन हैं, उन शत्रुओं के बंधन से भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आपका यह काव्य आपके जीवन के लिए सुखकारी साबित हो, यही मेरी भावना है। आपने प्रेम से सुना, अनुग्रहित हुआ, बहुत बहुत आशीर्वाद।